नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। आइए जान लेते हैं कि आज के विषय को लेकर गुरु जी के क्या विचार है। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है। जैसे कि कुछ दिन पहले जो मैंने आपको वीडियो दी थी, जिसमें संध्या दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर की चौखट पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को प्रज्वलित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इस विषय पर बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न भी आए हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसके लिए सुबह का समय सही रहता है या फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, मतलब घर की चौखट पर दीपदान के लिए कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ है। अगला आपका प्रश्न है कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसकी बाती लंबी होनी चाहिए या गोल होनी चाहिए, किस तरफ हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ या फिर बाएं तरफ दीपक किस चीज का होना चाहिए, आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक, कौन सा दीपक प्रयोग करें, दीपक में हम तेल डालें या फिर शुद्ध घी डालें, और कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। और एक सबसे जरूरी प्रश्न जो आया है वो ये है कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, हवा चलती है या फिर आंधी आती है, बारिश आती है, किसी भी वजह से अगर वो दीपक बुझ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित जिनके उत्तर में आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं, और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय, मैं आपको आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित ही शेयर करने वाला हूं, जो कि अगर आप ध्यान रखते हैं इस तरह से, अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, मात्र 21 दिन या 41 दिन में, या फिर कई बार तो 11 दिन में भी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उपाय, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है तो अच्छी लगती है। वीडियो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नए वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें आपके प्रश्नों के बारे में, सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि दीपक हमें कब जलाना चाहिए, सुबह या फिर शाम को। देखिए, सुबह भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। जिन घरों में दहलीज पूजन किया जाता है, मतलब कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर पूजा की जाती है, दहलीज पूजन किया जाता है। अब देखिए, हर जगह ऐसी परंपरा नहीं है दहलीज पूजन की, लेकिन बहुत से स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है। तो जिन स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है वहाँ पर सुबह भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो आप चाहे तो सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियाँ बहुत ही प्रभावी होती है, मतलब दोनों तरह की शक्तियाँ उस समय एक्टिवेट होती है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है,
और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है और शास्त्रों के अनुसार जो सुबह और शाम का समय होता है, संध्याकाल का जो समय होता है, मतलब जो सुबह जब रात से सुबह होती है वो समय, और फिर सुबह से जब रात हो रही होती है वह समय, यह दोनों समय संध्याकाल कहे जाते हैं। वैसे तो दोपहर के समय को भी संध्याकाल कहा जाता है, लेकिन सुबह और शाम का जो संध्याकाल का समय होता है, इस समय में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वार पर माँ लक्ष्मी आती है। उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती है, और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है, और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं होता है ऐसे घरों में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए सुबह और शाम का जो संध्याकाल का समय होता है वो बहुत विशेष होता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे वीडियो मैं बताता हूँ कि सुबह जल्दी उठिए और सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई कर लीजिए। अब देखिए, सुबह दीप जलाना ना जलाना यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुबह घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक होती है और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए। इतने से ही माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है, लेकिन शाम के समय दीपदान होना चाहिए। तो सुबह अगर आप दीपक प्रज्वलित नहीं भी करते हैं तो शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अब घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का सही समय क्या होता है, तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, अगर आप सुबह प्रज्वलित करते हैं तब भी आप सुबह उठकर सूर्योदय होने से पहले प्रज्वलित कर लीजिए, और शाम को जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो संध्या काल में होता है, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो सूर्यास्त होने के बाद दीपक नहीं प्रज्वलित किया जाता है। सूर्यास्त होने वाला होता है उसी समय दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है, मतलब जो संध्याकाल का समय होता है, दिन और रात्रि के मिलन का समय, उस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए उससे पहले। तो इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो कि सूर्य अस्त हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, फिर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अंधेरा होने से पहले आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक जल जाना चाहिए। और हाँ, दीपक जलाते समय एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जब हम संध्या दीपक प्रज्वलित करते हैं घर के मुख्य द्वार के लिए, तब ऐसे में दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित करेंगे, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने पूरे घर में उस दीपक को घुमा लेते हैं, मतलब आप अपनी रसोई में, घर के हर कमरे में, घर में जितने भी कमरे हैं हर कमरे में वो दीपक घुमा लीजिए, जैसे किसी देवी देवता को हम दिखाते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने एक हाथ में दीपक ले लीजिए और आरती की तरह पूरे घर में घुमाते हुए चलिए, मंत्र बोलते रहिए। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, या हनुमान जी का नाम ले सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु दशरथ अजिर बिहारी, इस प्रकार से भी आप इस चौपाई को बोलते हुए भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और दीपक घुमाते हुए मंत्र बोलते रहिए, और फिर आप मुख्य द्वार की तरफ निकल जाएंगे, और फिर मुख्य द्वार पर जाकर आपको वो दीपक रख देना होता है, मतलब घर के मुख्य द्वार के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो घर के अंदर यानी कि घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कर लिया जाता है, और पूरे घर में घुमाकर ही आप मुख्य द्वार पर ले जाकर उसे रखते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर जो संध्याकाल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसकी विधि यही होती है, और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, जैसे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होती है, जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है, और जब हम पूरे कमरों में, पूरे घर में घुमाते हुए ये दीपक लेकर जाते हैं बाहर, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो घर की होती है वो बाहर निकल जाती है, और फिर हम घर के मुख्य द्वार पर वो दीपक रख देते हैं ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा है बाहर से आ रही है वो हमारे घर में प्रवेश कर जाए। माँ लक्ष्मी या फिर कोई भी देवी का जो शुभ आगमन हो वो हमारे घर में हो, तो शाम का दीपक आप इसी प्रकार से जलाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह दीपक जलाते हैं
दहलीज पूजन करते हैं, तब दहलीज पूजन करते समय दीपक आप दहलीज पर ही प्रज्वलित करते हैं। मतलब इसके लिए आपको अंदर से दीपक प्रज्वलित करके लाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दहलीज पर दीपक लेकर जाते हैं, पुष्प और जल इत्यादि लेकर जाते हैं और जल डालते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप रंगोली बना सकते हैं, थोड़ी सी पुष्प रख सकते हैं या अक्षत रख सकते हैं और इसी के ऊपर आप दीपक रखते हैं, फिर दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों समय के दीपक प्रज्वलित करने की विधि अलग होती है और आप जानते हैं कि दीपक जब आप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक आपको रखना किस तरफ है। देखिए, घर में जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आते समय आपका दाहिना हाथ है जिस तरफ पड़ता है उस तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब घर से बाहर निकलते समय लेफ्ट साइड और घर में अंदर आते समय राइट साइड होना चाहिए जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं कि दीपक की बात ही किस प्रकार की होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहे तो गोल बाती भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान यह रखना है आपको कि अगर आप लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो उसमें सिंगल बाती नहीं होती है, हमेशा दो बाती डालकर ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मतलब लंबी बात या दो ले लीजिए और दोनों को क्रिस क्रॉस करके आप दीपक में रख दीजिए। दीपक एक ही तरफ से प्रज्वलित करना होता है लेकिन आपको बाती दो रखनी होती है। लेकिन अगर आप गोल बाती लेते हैं तो एक बाती आप डालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए, दीपक की बाती लंबी हो या गोल हो इससे उतना अधिक फर्क नहीं पड़ता है। दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है प्रकाश करना, मतलब अपने घर से अपने जीवन से अंधेरे को दूर करना। तो बाती आपको किसी भी डालकर जब आप प्रज्वलित कर देते हैं ईश्वर का नाम स्मरण करके तो उससे आपको शुभता की ही प्राप्ति होती है। तो आपके पास जो भी बाती उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि दीपक का मुख इस तरह होना चाहिए। तो देखिए, दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही तरफ दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ऐसे में दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अब एक प्रश्न उठता है कि अगर बारिश होती है, आंधी आती है, हवा तेज चलती है, तो ऐसे में जो हम घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं ये ठंडा हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए। देखिए, अगर तेज हवाएं चलती हैं या फिर आंधी आती है, बारिश आती है, मौसम ठीक नहीं है या फिर कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि दीपक बाहर प्रज्वलित किया जाता है, तो आसपास के पड़ोसियों को लगता है कि आपने कोई टोटका कर रखा है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि वैसे नियम तो यही कहते हैं कि घर के बाहर दीप प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन समस्याएं इस प्रकार की अगर बनती है तो आप घर के मुख्य द्वार के पास ही मतलब बाहर ही दीपक प्रज्वलित करते हैं, पर गेट के अंदर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप दीपक रखते हैं तो मेन गेट के पास ही होना चाहिए, वो अंदर हो तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि बाहर रखेंगे फिर दीपक ठंडा हो जाएगा, उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप अंदर रख लीजिए। लेकिन अगर आप घर के अंदर भी रखते हैं दीपक, तब भी आप एक बार मेन गेट के बाहर निकलकर और मुख्य द्वार के ऊपर आपको एक बार जैसे आरती करी जाती है ना, उसी प्रकार से मुख्य द्वार के ऊपर आप चारों तरफ गोल घुमा लीजिए दो या तीन बार और उसके बाद अंदर रख लीजिए। लेकिन बहुत आवश्यक है कि घर के बाहर जो आप दीप प्रज्वलित करते हैं उसे घर से घुमाकर बाहर ले जाकर बाहर भी मेन गेट की जैसे आरती करी जाती है, वैसे ही प्रतिदिन आरती करने के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर एक तरफ दीपक रख दीजिए। तो इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर हो, किसी के किए कराई का असर हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मतलब किसी भी प्रकार की बुरी बलाएं हो, आपके घर से दूर रहती है। इसलिए संध्या काल में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। बाकी आप सुबह भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न है कि दीपक कितने समय तक जलते रहना चाहिए,
कितने समय दीपक का जलना आवश्यक है? देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक जलना चाहिए। तो दीपक आपका जितना भी बड़ा हो, आप उसमें घी भर दीजिए या तिल तिल भर दीजिए, जिससे भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, और जब तक वो अपने आप ठंडा नहीं होता है तब तक उसे प्रज्वलित रहने दीजिए। लेकिन हाँ, जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वो घी या तेल से भर दीजिए, इतना कि कम से कम 1-1.5 घंटे तो अवश्य जले। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वो आटे का होना चाहिए या फिर मिट्टी का दीपक होना चाहिए। देखिए, आप चाहे तो प्रतिदिन आटे का दीपक भी बना सकते हैं, आटे का दीपक बनाकर और उसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चाहे तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, और इससे भी अच्छा होगा कि आप एक धातु का दीपक रखिए। धातु का दीपक आप प्रतिदिन धोकर उसे प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक आप दोबारा नहीं जला सकते हैं। तो अगर संभव हो तो एक पीतल का छोटा सा दीपक ले लीजिए, प्रतिदिन शाम के समय जला दीजिए, और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो अंदर रख लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा। और हाँ, अगला प्रश्न है कि घी तेल किस चीज से हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है या कहीं भी जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, या तो आप शुद्ध घी का प्रयोग करें या फिर आप तिल तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का दीपक आप चाहे तो शनिवार के दिन जला सकते हैं। बाकी रोज जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो आप या तो तिल तिल से प्रज्वलित कीजिए या फिर आप शुद्ध घी का प्रयोग कर लीजिए। दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि पीरियड्स आ जाते हैं तो उस समय में घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखिए, पीरियड्स में आप दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए घर का मुख्य द्वार है, लेकिन जो हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं कर तो देवी देवताओं के निमित्त ही रहे हैं, तो देवी देवताओं के लिए हम पीरियड्स में कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस समय में आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम नियम अपने घर में बनाते हैं प्रयास करना चाहिए कि हर समय वह नियम बना रहे। अगर आपसे नहीं हो पाता है, अपने बच्चों से कहिए, उस दिन वो दीपक प्रज्वलित कर देंगे। पति है या परिवार में कोई भी दूसरे सदस्य हैं, तो उनसे आप दीपक प्रज्वलित करवा दीजिए, मतलब नियम खंडित मत कीजिए। प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, प्रयास तो यही कीजिए कि प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो। बाकी अगर घर में कोई उस वक्त नहीं होता है, मतलब आप अकेले ही हैं और नहीं कर पाते हैं, तब बात अलग होगी। लेकिन अगर घर में कोई होता है उस समय तो दीपक अवश्य प्रज्वलित करवा दीजिए। और हाँ, संध्या दीपक से संबंधित एक और प्रश्न आया है कि क्या शाम के समय हम सिर्फ 3 दीपक ही प्रज्वलित कर सकते हैं? जैसे कि घर में और भी कोई देववृक्ष है, जैसे कि शमी का पौधा या फिर आंवले का पौधा या फिर मान लीजिए केले का पौधा हमने लगा रखा है, और प्रतिदिन हम वहाँ दीपक जलाते हैं, तो क्या हम वहाँ दीपक जला सकते हैं? मतलब क्या 3 से अधिक दीपक शाम के समय जलाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जलाया जा सकता है, मतलब शास्त्रों में 3 दीपक अनिवार्य कहा गया है। बाकी के दीपक आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी संख्या में जला सकते हैं, जैसे कि किसी भी देव वृक्ष के नीचे आप घर में भी जला सकते हैं, बाहर जाकर भी जला सकते हैं। बाहर कोई मंदिर हो आपके घर के बाहर, तो वहाँ पर जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दीपक अधिक संख्या में नहीं जला सकते हैं, बिल्कुल जला सकते हैं, लेकिन यह मुख्य दीपक होते हैं। यह जैसे कि अगर आप बहुत सारे दीपक नहीं जला पाते हैं तो कम से कम घर में 3 स्थानों पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। घर के ईशान कोण में, यानी कि घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के पास। इसके अलावा आपकी अपनी इच्छा है, अपनी श्रद्धा है, कितने भी दीपक प्रज्वलित कीजिए, ये तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और हाँ, ध्यान रखिए, दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे कुछ न कुछ अवश्य रखें,
चाहे थोड़े से पूछ परख दीजिए, या फिर आप चाहें तो थोड़ी सी चावल रख सकते हैं, क्योंकि खाली दीपक कभी भी प्रज्वलित नहीं किया जाता है। सीधा जमीन पर दीपक नहीं रखा जाता है। दोस्तों, यदि आपको गुरुजी के द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करिए। अब आप सभी एक बार हमारे साथ भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की नई नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम।